काशीपुर के कुंडेश्वरी पुलिस चौकी क्षेत्र में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हो गई। उसका शव आज सुबह घर के कमरे में पंखे से लटकता पाया गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतका के मायके वालों का आरोप है कि दहेज की खातिर उसकी हत्या कर ससुराल वालों ने आत्महत्या का रूप देने का प्रयास किया है। फिलहाल इस मामले में पुलिस ने शक के आधार पर मृतका के पति को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है, जबकि मृतका का देवर फरार है। बेटे बिटिया को कैसे मारा गया? बिटिया को मारा गया, उन्होंने फांसी लगाई बाद में। अच्छा, दे दो। इन्होंने मारा, पहले मार के उसे मार के गेर दिया। दो महीने का बच्चा भी गिरा हुआ, उसको लेटर एक छोटी सी रस्सी में, चुन्नी में और हल्का सा गले में फंदा लगा रखा और पंखे में लटका। शादी कब करी थी? शादी को हो गया 16 फरवरी की शादी थी। अच्छा। और आज लगा लो तुम, कितना समय हो गया, इतना मार भी दी और सब काम निपटा दिया। दहेज की डिमांड कितनी कर रहे थे? ये दहेज की मांग करते थे, रोज मांग करते थे, लेकिन रोज मांग करते थे। फिर अपने बाप से कहा मेरे प्लॉट लेके देगा, मेरे लिए दुकान बनाएगा, मेरे लिए ये करेगा। हमने कहा बेटे अभी हमने शादी करी, हम रुक कर देंगे तुम्हें और देंगे हम तुम्हें, जो हमने तुमसे मांग करी। 2 लाख रुपया नकद कैश दे दिया हमने और 8-10 लाख का सामान भी दे दिया। जेवर भी है इनके पास, 1 तोले की अंगूठी दे रखी लड़के को, इसकी माँ के लिए जेवर बना रखा हमने। अब आपने क्या कार्रवाई करी है? अब हमने कार्रवाई किया, आप देखो क्या करता है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं हमारी। तेरी देवर दे दी पुलिस ने? नहीं, आप देंगे? फांसी संदिग्ध पुलिस में फांसी लगाना मामला क्या है पूरा? जी, आज काशीपुर पुलिस की सूचना मिली थी कि घुड़का गांव, घुड़का नंबर 2 गांव में कुंडेश्वरी क्षेत्र में एक महिला द्वारा जो है फांसी लगा ली गई है। तो इस सूचना पुलिस टीम मौके पर पहुंची है और पुलिस की छानबीन कर रही है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी हॉस्पिटल भेज रही है। सर क्या नाम है इसका नवविवाहिता का? और इसका नाम वर्षा वाइफ ऑफ रणवीर है, निवासी घुड़का नंबर 2। क्या सर प्रथम दृष्टया किस तरह का कोई जो मायके वापस पूछताछ चल रही है, लेकिन जो मृत्यु के कारण प्रथम दृष्टया फांसी लगाना पाएगी।